कोई बात नहीं, सीधा तू पुलिस चौकी में चल रहा। तीन पुलिस चौकी में चल रहा सबको देते तो मोबाइल से बारिश तो क्यों मुझे मेरा हाथ पड़ जाते तो। सर ने मोबाइल छीना था, देख लीजिए उसका क्या हालत कर दिया है। 10 रुपए के कारण उसने पूरा मोबाइल भी तोड़ दिया। मतलब पानी क्यों नहीं दे रहा भाई? पानी हमारा है। पानी इसमें है तो तू तुम क्या बात बोला? पानी कितने का बेच रहा है? 20 रुपए का बेच रहा है। तुम पानी क्यों से बेच रहा है? तो मैं तो अभी ट्वीट करूंगा, अभी ना अब मेरे पीछे मत भाग। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का? मेरा नाम अजीत सिंह और आप फिलहाल अभी देख सकते हो, फिलहाल मैं हूँ अपने गांव जवार यानी आरा के आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और आप सभी को जो ट्रेन जर्नी कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ पाटलिपुत्र लोकमान टर्मिनल के बीच में चलने वाली ट्रेन नंबर 12142 यानी पाटलिपुत्र लोकमान तिलक के एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना हफ्ते के 7 दिन से पाटलिपुत्र से लोकमान तिलक के बीच में चलती है। और दोस्तों देख सकते हो ये आ चुकी है अपनी ट्रेन, जो कि फिलहाल में तो खाली ही लग रही है। वैसे बात करूँ इस ट्रेन की तो ये रोजाना सुबह में 11:05 पे पटना पाटलिपुत्र से निकलती है और ठीक यानी लगभग 1700 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद अगले दिन पहुँचा देगी आप सभी को दोपहर 2:10 पर मुंबई। लेकिन इन भीड़ देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बाकी अंदर में भीड़ नहीं है, बस ये जो लोग चढ़ने वाले दिख रहे हैं इन्हीं का भीड़ है। भाई साहब आ चुके हैं अपने इस ट्रेन के जनरल क्लास में, क्योंकि जर्नी जनरल में हो रही है, तत्काल में टिकट मारने के बाद भी नहीं हुआ है। बाकी जनरल क्लास ऐसी है, बैठने का जगह मिल सकता है अगर आप चाहोगे तो। बाकी निकल चुके हैं अपने घर द्वार आरा से। बाकी आप सभी को पता है ना क्या करना है, जर्नी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जर्नी में तो मज़ा आएगा क्योंकि भीड़ नहीं है, तो बातें और खाना पीना आज ज़्यादा होने वाला है। दोस्तों ट्रेन के निकलते हैं, भाई साहब जो स्पीड चल रही है ना गजब, ये देखिए 130 मतलब अभी 130 क्रॉस कर गया था, मतलब 130 समझ रहे हो, जबरदस्त मज़ा आ रहा है ट्रेन में। तो ट्रेन तो बक्सर से निकल चुकी है, देखिए हमने खाने में घर से लिट्टी लाया है और साथ में राहुल जर्नी कर रहा है, जो कि भाई यही सब ये खाने पीने का जुगाड़ लगाता है। बाकी लिट्टी के साथ में है ये है मूंगफली का चटनी, क्योंकि ट्रेन में चोखा नहीं ला पाए क्योंकि ये ज़्यादा देर तक चल जाएगा। बाकी बिहार से निकल रहा लिट्टी चोखा ना लेकर निकलो तो भाई गड़बड़ की बात है ना। बाकी खाते पीते हैं, मिलते हैं अभी आपसे जमानिया में नहीं, बिल्कुल पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है अपने टाइम से भी 10 मिनट बिफोर, वैसे तो आने का आधा घंटा पहले बिफोर आ सकती थी लेकिन पीछे यार्ड में लगाया हुआ था। वो सब आ चुके भाई साहब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ पे भीड़ इस ट्रेन में अच्छा खास चढ़ है। वैसे अगर बात करूँ इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की, तो भाई साहब इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1861 में और इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया था 1962 में, क्योंकि भाई साहब करीबन लगभग 100 साल हो गया। और हमारे बगल में देख सकते हैं दानापुर सिकंदराबाद खड़ी है, जो कि फिलहाल में सिकंदराबाद से आ रही है। और भाई साहब सिकंदराबाद मुंबई किधर से भी आने वाली ट्रेन अभी फिलहाल में भाई भीड़ इतना आएगी कुछ कहो मत, क्योंकि पर्व त्यौहार और बाकी सारा शादी भी आप चालू हो चुका है। और दोस्तों दीनदयाल से तो बहुत देर पहले निकल गई थी लेकिन आपसे बात ही नहीं कर रहा था। वैसे मैं खाने पीने की बातें कर सकता हूँ क्योंकि ट्रेन में अब धीरे धीरे भीड़ चढ़ने लगा है। बाकी मैंने गाजर उजर लिया है और ये लोग खा रहे। कैसा लग रहा भैया? बढ़िया लग रहा है, अच्छा है ना? इनको देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? हाँ तो भाई साहब इसमें अंडा उंडा वाला बढ़िया मिल रहा है, वैसे तो 20 रुपये 32 रुपये का 3 वो देते हैं, अगर आपका मन करेगा तो 2 भी ले सकते हैं, जो कि दे देंगे ना 2 को एक भी देते हैं भैया, तो आराम से ले लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई 3 अगर नहीं खा पाएंगे तब पर भी लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी ट्रेन में भैया अच्छे हैं। भाई आराम से रुकी प्रयागराज छुकी जंक्शन। चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी थोड़ी बहुत जानबूझ के लेट हो चुकी है यानी 17 मिनट, और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज छुकी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आते ही भाई भीड़ कुछ अलग ही लेवल का है, मतलब पहले उतरने हैं देने का कुछ पता नहीं। ये देखो सारा जबरदस्ती का भीड़ है, ये भीड़ वाला भीड़ ही नहीं है, ये ना समझी वाला भीड़ है, तो भाई इसका कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे अगर बात करें इसे प्रयागराज छुकी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, यहाँ पे पूरे के पूरे 96 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं। और बात करें ये प्रयागराज जो छुकी रेलवे स्टेशन है, तो भाई साहब ये प्रयागराज में केवल मात्र
यही एक रेलवे स्टेशन नहीं है, प्रयागराज में पूरे का पूरे 5 रेलवे स्टेशन है, प्रयागराज संगम, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी और प्रयागराज रामबाग के साथ साथ सूबेदारगंज भी एक रेलवे स्टेशन है, यानी 5 जगहों से आप ट्रेन पकड़ सकते हो, वहाँ से ओरिजिनेट और ट्रेनमेट भी होती है। वैसे अगर बात करना अपना ये छिवकी रेलवे स्टेशन, तो भाई साहब अगर आपको साउथ की तरफ मुंबई की तरफ जाना है तो हावड़ा मेन लाइन, मुंबई मेन लाइन है ये वाला भी है, तो इधर से सारी ट्रेनों को निकाल दिया जाता है। और बाकी प्रयागराज जंक्शन की तरफ से आप तो दिल्ली जाते ही हो, बाकी छोटा सा 2 मिनट का होल्ट है और भीड़ है। अब मजा आएगा कि क्या होता है, लेकिन साण बाबा पहले ही से स्टेशन पे आ चुके हैं। बाकी चलते अपना सीट पे, वरना सीट 2 मिनट में कट के 4 हो जाएगा, क्योंकि लोग का भाई भीड़ देख रहे ना कितना है। और भाई साहब आ चुके हैं ट्रेन में, अंदर आने का कुछ समय नहीं आया, निकल पे का भाई सीट पे जाना भी एक अलग ही मुश्किल है शायद। सीट पे मेरे को लग रहा है कि कोई पहले मर चुका है। ए भाई हट रे, हट रे, गेट पे खड़े हो गए हो सब लोग, ऐसे गिर जाए। उठा भैया, उठा मर दो, बैठो मर, हटिए बोला नहीं आपसे कि तो यार। अरे कहां बैठो मर दे यार, हटोगे तभी तो बैठेंगे यार। कई आदमी हो, अरे सारे हमारे ही हैं आदमी, क्या आज चिल्ला रहे हो, तो बैठा रहे ना किसको, इसको तुमको बैठना है, बैठो, कहां चिल्ला रहे हो, कहां पे बैठ जाओ। अरे यार उठा रहे, क्या कर रहे हो, हां उठा उठा उठा, हां तो बैठो, उठाओ गोदी में, चिल्ला रहे हो, उठा लो, ज्यादा बाहर नहीं, हां बैठो अच्छे से, काम करो, बैठो, आंख लाल लाल हो रहा है तुम्हारे, बहस बस। भाई साहब निकल चुके हम प्रयागराज झुकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वैसे अगर रात भी रात कभी भी आता हो ना, तो भाई साहब यहाँ पर रुकने के लिए एक आधो होटल है, जो कि आपको कम से कम अगर रूम भी मिलता है तो 500 से कम में नहीं मिल सकता, तो आप चाहो तो यहाँ रह सकते, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर 40 रुपये दे के मेन प्रयागराज में भी जा सकते हैं, जो कि करीबन 12 किलोमीटर दूर है। बाकी सीट के लिए देख रहे हो कितना परेशानी होता है भाई, एक बार अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो बड़ा जनरल क्लास में दिक्कत होता है, और आपके लिए जनरल क्लास में जाया जाता है। बाकी बैठते हैं, देखते हैं अब तो आएगा शायद सतना जबलपुर, बड़ा लंबा लंबा हॉल्ट है अपना। अरे खड़ा करके डालो मर दे, फिर गिर जाएगा, आपकी दाई गिरी समझो, पूरा फाड़ के आगे बढ़ा, पूरा ट्रेन के बाहर पूरा चले जाएगा, खड़ा रख कैसे ठेलो का, गिर गिर जाएगा भाई, बोरे का भी एकदम अलग ही है, आगे बढ़ा दो, पहले कैसे रखे थे इसको, अरे अपना जो बनी इसको खाना खाना खाना, उतर जाना तेरा भाई, ओए भाई एकदम गेट पे खड़ा है, हटो ना यार, पहले ही घुसने दे दिए हो तो कहां से होगा, बताइए भैया घुस भी नहीं पाए। अरे यार भाई क्या बताएं, यही तो दिक्कत है, थोड़ा सा इंतजार जिंदगी के लिए आरामदायक। और भाई साहब हम और हमारी ये बेकाबू लोगों के साथ ट्रेन पहुंच चुकी है भाई साहब, अब मध्य प्रदेश में, तो आप सभी का टोपी उठा के मध्य प्रदेश में स्वागत है, क्योंकि भाई सकल पूरा नहीं दिख पा रहा है इस टोपी के कारण। बाकी यहाँ से भी सतना से देख सकते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा ही चढ़ने वाले हैं, मतलब इतने चढ़ने वाले एक उतरने भी नहीं दिया जा रहा था, वैसे ही पहले चढ़ने लगे थे। बाकी खाना पीना सब मिल रहा है पेंट्री कारोला से। वैसे बात करें सतना रेलवे स्टेशन का, तो हम सब भाई मध्य प्रदेश में आ ही चुके हैं, वैसे बहुत ही अच्छा खासा 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे पूरे का पूरे 178 ट्रेनों का हॉल्ट है। और वैसे रेलवे के हिसाब से हम आ चुके हैं वेस्ट सेंट्रल रीजन के अपने जबलपुर डिवीजन में, जो कि अपना अगला स्टेशन है जबलपुर है, 5 मिनट का हॉल्ट है, और देखते हैं लोग चढ़ पाते कि नहीं चढ़ते हैं। लेकिन भाई बात यह है ना कि अगर अपने मैं सीट पर नहीं जा पा रहा हूँ, देख लो आपसे बातें करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, अगर सीट पे नहीं जा पा रहे हो तो भाई लड़ाई हो जा रहा है, मैं किसी से नहीं चाहता हूँ कि रात की रात कुछ करे। बाकी चलते हैं अपने सीट पे, देखते हैं, खाना वाना अंदर ट्रेन में मिल रहा था, बाकी अच्छा मिल रहा था, 70 रुपये में अंडा बिरयानी दे रहे थे, पता नहीं क्यों 90 रुपये का मिलता हर जगह था, अच्छा मिल रहा, सस्ता तो बढ़िया, और सस्ता मिले, घुसो घुसो, हटा लो भैया पैर हटा लो, रुक जाओ रुक जाओ, ये भाई साहब घुस जाओ, चप्पल देख लेना, चप्पल के ऊपर सबका निकाल दो, चप्पल बाहर निकाल दो, इमरजेंसी विंडो का बढ़िया से प्रयोग करते हुए, तो भाई साहब देख लो कितना मजबूरी है, मतलब जनरल क्लास में कि इसके अंदर भी जाना पड़ रहा है, पर यह समझदारी का भी काम है, ये लात के नीचे आने से बढ़िया है कि अंदर में घुस के सटक जाओ बढ़िया तरीके से। हाँ
तो भाई साहब देख लो, ये भैया इसमें चढ़ गए हैं और अपना बात है कि हम लोग अभी पहुंचे जबलपुर, यानी मध्य प्रदेश का संस्कार धानी। बाहर में नहीं आ रहे हैं क्योंकि पता है रात गुजारना है और हम आज झोली बनाने के इनके तरह में चक्कर में नहीं है, किसी और दिन बनाएंगे। बात है कि थोड़ा बहुत गिफ्ट करके गए हैं क्योंकि वो ऊपर चले गए तो नीचे वाला अपना हो गया, तो बाकी यहीं पे पढ़ते हैं। देख लो नीचे में सब पड़े हैं, उधर में पड़े हैं, तो हम भी यहीं पड़ जाते हैं। बाकी जब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह सुबह के 6:25 हो रहे हैं और देख सकते हैं अपनी ये पाटलिपुत्रा मुंबई में लोकमान्य तिलक वाली आ चुकी है। भुसावल यानी हम लोग एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में और ये भुसावल है ना जो फेमस है भाई साहब अपने केलों के लिए, मतलब भारत में सबसे उच्च क्वालिटी के केले यहीं पे होते हैं। लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, आप में एनर्जी देख रहे होंगे मेरे में भर के, क्योंकि भाई रात में घर नहीं जागा हूँ, ऐसे ही एनर्जी भर के ही था। वैसे अगर बात करूँ ना, मैं भुसावल में उतरा हूँ, सोचा एक जगह मैंने देखा है सुबह सुबह 5 बजे वहाँ बड़ा पा मिल जाता है, जो ट्रेन है ना अपनी करीबन 40 मिनट बिफोर आ चुकी है, तो मैंने सोचा चलो एक बार चलते हैं बाहर, बाहर से जाके बड़ा पाव लेके आते हैं क्योंकि बड़ा पाव इतना फेमस है कि अभी भी लाइन लगा होगा सुबह के 6:30 बजे, 5 बजे ही लाइन लग जाता है। चलिए चलते हैं बाहर, फिर मिलते हैं आपसे। जैसे आप भुसावल रेलवे स्टेशन के बाहर आया था, देखो चौक पे जहाँ पे होटल वोटल मिलते हैं, यहाँ पे 150 रुपये मिट्टी मिलता है, ले सकते हो। बाकी बड़ा पाव ले लिया है, इसी दुकान से बड़ा पाव पोहा मिलता है सुबह सुबह चाय में, मतलब अभी थोड़ा सा और सुबह होने दीजिए, भीड़ लग जाएगी। बाकी चलते हैं इसको लेके अंदर में, बाकी खाते पीते हैं जो बाद में फ्रेश होने के बाद। और भाई साहब निकल चुके हैं अपने इस चावल से, बाकी खाएंगे पिएंगे क्या नाम है भाई, ये बड़ा पाव का अनबॉक्सिंग करना चालू कर दिया अभी से ही। और ये बन गया भाई साहब अपना बड़ा पाव, और साथ में मिर्ची ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। टेस्ट पाव का ना एकदम रवादार बड़ा है, मतलब मज़ा आ गया। ये भी भाई बाहर का पहली बार खा, कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी लग रहा है भाई साहब। महाराष्ट्र में आए बड़ा पाव नहीं खाए तो तुम ना, मतलब ना महाराष्ट्र में आए और ना गए भाई, बड़ा पाव इम्पोर्टेंट है। अब मुंबई या पुणे पहुंचेंगे तो दिन भर यही खाएंगे, सस्ता सुविस्ता और अच्छा। मतलब पानी क्यों नहीं दे रहा भाई? पानी हमारा लेके पानी इसमें है तो तुम क्या बात बोला? इसमें पानी दो, हम पानी मतलब तू पानी मेरे को क्यों? मेरे को नहीं, तुम क्या बोला? सबको पानी दे रहा मेरे को, दे रहा हूँ। पहले बोला कि 20 रुपए का पानी तुम क्यों दे रहे हो? 15 का पानी बीस क्यों दे रहे हो? 15 का पेटने का पानी चाहिए, हम भी आ रहे हैं। पानी कितने का बेच रहे हो बताओ? क्या मेरा बात सुनो, क्या सुन बोलो? पहले देखो 12 कितने का बेची, हम बाल्टी में लेके दिन भर पानी कितने का बेच रहे है? 20 रुपए तुम पानी क्यों से बेच रहे? किसने बोला तेरे को 20 रुपए पानी बेचने के लिए? 2 रुपए किसने? तेरे को सैलरी नहीं मिलता? कमीशन नहीं मिलता? 5% कमीशन मिलता है ना तेरे को भाई? तेरा मतलब एक मिनट, तो मैं तो अभी ट्वीट करूंगा, ये अभी ना अब मेरे पीछे मत भाग। बोल दे ठीक है, इन बार में बताइए हम तुम्हें क्या लगता है, मतलब जनरल वाले चूते ये पढ़े लिखे नहीं है? बात नहीं भैया, पढ़े लिखे नहीं, आप तक देखिए हम आए हैं पानी लेकर के, तुम्हें आपसे 5 रुपया हम लेंगे तब ना हम क्यों क्यों लेगा 5 रुपया क्यों लेगा? मेरे को नहीं देने का मन है, ठीक है? नहीं देने का मन है, कोई नहीं देता, कोई देता है। अरे देर सुनो, अब उतने इज्जत से मांगोगा तब मिलेगा। जाओ ना फर्स्ट एसी मांगो कि सर दे दीजिए मेरे को 15 रुपए। वो तो दे देता है, जब कहता है ना 5 रुपए नहीं जा बेटा लेके जा, तो जब कहता है तब तुम तो 20 रुपए का दूंगा ही। कौन बोला है? तुम बोले, तुम बोला अभी तू बोला किसको 15 रुपए का भेजा? तू बता ना किसको 15 रुपए का? ये सब पागल है, सपोर्ट ना तो पानी हम लेके आए ना, सबको दिए हम 10 बोतल ले 20 रुपए का चल ले जनरल में, सब इतना पानी लेके आए हैं जो मेरे को 5 रुपए वापस कर। कौन बोल रहा है? हां लिया अभी करना है ट्वीट कर दो, ट्वीट नहीं करना तो मेरे को तो मैं ट्वीट करूंगा। अभी मैंने यार तुम्हारा राजा करवा रहा हूँ मैं उसको। और काफी लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज्ञान बांटने वाले मिलेंगे कि 5 रुपए के लड़ते हो
तो बता दो भाई, जितना तुम बोलते हो ना कमेंट में, तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा इनकी कमाई है। पूरे का पूरे कम से कम दिन में 200 से 300 बोतलें बेचते हैं, और एक बोतल के ऊपर 500 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, और जो कमीशन मिलता है इनसे अलग, मतलब करीबन एक दिन का कमाई 2500 से 2000 रुपये के बीच में होता है। मुझे नहीं लगता कि आप महीने का 60 से 75000 रुपये कमाते होंगे जो इसमें कमेंट करते हैं, ठीक है? तो भाई समझ जाया करो, 5 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए जो इस ट्रेन में जनरल क्लास में जाते हैं, जो कि बाहर स्टेशन स्टेशन का पानी गंदा गंदा कभी पी के पीना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी देख सकते हो पहुंच चुकी है पाटलिपुत्रा लोकमान्य तिलक टर्मिनल, नासिक रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब जो अभी इधर से नासिक रोड और कल्याण से कमा के आए हैं, वो अब जाएंगे गोरखपुर। जी हाँ, ये गोरखपुर के लिए ट्रेन है, और ट्रेन में भाई भीड़ देख लो काफ़ी ज़्यादा है। अब मतलब इतने सारे बताओ लेडीज ये सब है, इन सभी को ऐसे इस जनरल क्लास में जाना पड़ेगा। हमारा भी यही हाल था कुछ देर पहले, अब धीरे धीरे हम लोगों का खाली होने लगा है, और अब हद से ज़्यादा इधर से भरने लगेगा, देख लो। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, ये ट्रेन का ऐसे ही है। बाकी से बात करें, नासिक का तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर अंगूर होता है तो शराब बनाई जाती है, तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शराब है। भीड़ देख के बड़ा दया भी लगता है यार, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। बाकी ये तो है ही, लेकिन ये गोदावरी नदी के तट पे बसा है, और यहाँ पे 12 साल में एक बार कुंभ होता था भाई साहब। अब की बार कुंभ होगा ना, तो मैं तो यहीं पे डेरा डाल लूँगा, कुंभ के मजे लूँगा, स्नान करूँगा, बाकी इन लोग को कैसे चढ़ाया जाए बताओ। अरे भाई एक 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 करके चढ़ जाओ यार, ए चाचा ए भैया तुम पहले अंदर चले जाओ यार, अंदर चले जाओ थोड़ा सा। के नासिक से, और नासिक के अंगूर तो आप खाइएगा, क्योंकि हम भी खा रहे हैं, देख लीजिए जिंदगी के मजे हैं अंगूर के गुच्छे में, उठा के खाइए। बाकी आप बड़ा पाव भी खा सकते हैं यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा होता है। दे दो दीदी, दे दो। नहीं नहीं मोसी मोसी, बात नहीं, विश्वास तो मैं कोई बात नहीं, सीधा तू पुलिस चौकी में चल रहा, तीन पुलिस चौकी में चल रहा आपके मार रहा कुल के जाए मोसी पुलिस चौकी में हम तो नहीं मैं मुंह नहीं दूंगा मोबाइल से मुझे मार रहा नहीं करेंगे। देख सुन सुन मेरी बात सुन, बोल गलती नहीं करेगा, देख पहली बोल रहे तू, सुन 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 मांग रहे क्या तू बोल रहे, हम सबको देते सबको देते तो मोबाइल से बारिश तो क्यों मुझे? देख ऐसे ही देख, जो ये जैसे छूटे ये सब प्यार है यार, ये सब आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है ये सब। दीदी या दीदी दीदी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, पहले इसको आशीर्वाद दीजिए। और जो भाई किन्नर ने मोबाइल छीना था, देख लीजिए उसका क्या हालत कर दिया है, 10 रुपए के कारण उसने पूरा मोबाइल भी तोड़ दिया, और रंगदारी चलता है। और उसको प्यार से दीदी मौसी लोग हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें मार जाए। जितने भी सारे पुलिस वाले ये सब होते हैं, सब उनसे किन्नर लोगों से मिले होते हैं, जो कि ऐसे ऐसे भाई लोगों का मोबाइल तोड़ दिया जाता है। भाई आप सावधान रहिएगा, क्योंकि इधर में कुछ नहीं हो सकता, सारे जो भी है इसमें एम्प्लॉय मिले हुए हैं अपने आप में। ऐलान कल्याण। और भाई साहब सपनों के शहर जहाँ सच में पूरा होता है, मुंबई के कल्याण जंक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इधर से ज़्यादा गोरा दिख रहा होगा भाई, और सबसे आगे लेके आया है, क्योंकि हम लोग सबसे आगे थे, और अपने को कल्याण उतरना है, कहा से कि अपने को जाना है पुणे। और बात करें इस ट्रेन की और इस ट्रेन जर्नी की, तो बड़ा ही दुखदायक और अच्छा भी रहा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग मिले, और दुखदायक इसलिए क्योंकि अच्छे अच्छे घटनाएँ भी हमारे साथ। बाकी ओवरऑल बात करते रंगदारी इस ट्रेन में, पेंट्री कार वाले की भी थोड़ी बहुत रंगदारी चलते रहती है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा, बाकी सारा तो आप समझ ही रहे हैं। बाकी ट्रेन जर्नी अच्छी है, पंचुअल है, टाइम की आधे घंटे लेट कर चुकी है, इतना पंचुअल है कि आधे घंटे से पहले आउटर में लगा रखा था,
बाकी आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलता है फिर किसी नेक्स्ट ट्रेंडिंग के साथ, किसी नेक्स्ट चर में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, हमेशा मुस्कुराते रहिए हम सभी के साथ।